बाकी बच्चों को भी इस लाइन के बारे में पता चले। तो भाई आज का टॉपिक यही है कि मर्चेंट नेवी का सैलरी भी क्या चल रहा है, ठीक है। मैं हर साल मर्चेंट नेवी सैलरी का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कोई कोई पहले साल के हिसाब से इसी साल वही सैलरी होगा ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमी हमेशा अप एंड डाउन रहता है। तो इकोनॉमी के हिसाब से भाई सैलरी जो होता है वो अप डाउन होता है। तो बेसिकली 2018 पे मैं बना रहा था, तो अभी 2019 एंडिंग होने वाला है, तो मैं 2019 का बना रहा हूँ अभी कि अभी क्या सैलरी भाई चल रहा है, और आप आगे जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो मर्चेंट नेवी वो लोग क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मर्चेंट नेवी से, ठीक है। तो भाई बेसिकली ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ होगा, क्योंकि अभी बहुत सारा कोर्सेज का एडमिशन चल रहा है और आप लोगों को ये चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए। तो बेसिकली पहले जितना पेमेंट मिल रहा था अभी थोड़ा सा उतना पेमेंट नहीं मिल रहा है, अभी जो पेमेंट मिल रहा है वो थोड़ा सा कम हो गया। तो बेसिकली मैं नियम का ही आपको बता रहा हूँ। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि DNS, BSc नॉटिकल साइंस ये सब करके जाए होंगे एज ए टेक कैडेट, और मैरीन इंजीनियरिंग को GME करके जाए होंगे एज ए इंजीन कैडेट भी लोग जाए गए होंगे। DMU ट्रेनिंग मैरीन इंजीनियरिंग को जो लोग गए होंगे, तो भाई जो टेक कैडेट होता है उन लोगों का ट्रेनिंग पीरियड पर अभी जो भाई सैलरी पैकेज चल रहा है दैट इज़ अप टू 20,000 to 25,000, ठीक है। और ये टेक कैडेट का वही 20 से 25,000, या फिर इंजन कैडेट में भी वही 20 to 25,000। भाई ये सैलरी वेरी करेगा आप कितना GRT के फेसल पे जा रहे हो, कितना बड़ा शिप है, कितना बड़ा कंपनी है। अगर बहुत ही अच्छा कंपनी मिलेगा 30,000+ या फिर 30,000+ GRT होगा, तो आपको 30,000 से लेकर 40,000 तक भी आपको सैलरी जा सकता है एज ए एंट्री लेवल, आप जो ट्रेनिंग पीरियड पे हो, ठीक है। नहीं तो ऐसे नॉर्मल शिप पे जैसे कि 10,000 से लेकर 20,000 GRT के अंदर, तो भाई आपको वही सैलरी आप एक्सपेक्ट करोगे 20 से 30,000 के अंदर, वही सैलरी आप एक्सपेक्ट करोगे एज ए ट्रेनिंग मैरिन इंजीनियर हो या फिर ट्रेनिंग टेक कैडेट हो, ठीक है, वो वही एक्सपेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं फोर्थ मेट पे, जो लोग फोर्थ मेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे एज ए टेक कैडेट हो या फिर इंजीनियर कैडेट हो, उन लोगों का सैलरी जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी के ज़माने पे, दैट इज जो नॉर्मल जो अगर छोटा मोटा शिप होगा तो उधर भाई आप लोगों को 50 से लेकर 70,000 मिल जाता है। अगर अच्छा शिप आपको मिल गया 15,000 से एक GRT या फिर 20,000 से एक GRT अच्छा कंपनी पे मिल गया, तो भाई 1,00,000 से लेकर 1,20,000 तक आपको मिल सकता है, 1,00,000 से लेकर 1,20,000 तक मिल सकता है। तो भाई मैं देखा हूँ वही फोर्थ मेट है जो कि पा रहे हैं 75,000 78,000, मैं वही फोर्थ मेट भी देखा हूँ जो लोग पा रहे हैं कि 1,10,000 1,20,000। तो भाई वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा मिसल पे जा रहे हो। तो मेनली आप लोग पक्का सोच लो कि जब फोर्थ मेट जाओगे तो आपका एक सैलरी वेरी करेगा 70,000 से लेकर 1,20,000 तक, उसके अंदर ही आपका सैलरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है हम लोगों का जो एक्सपीरियंस बेस पर थर्ड मेट जाते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद थर्ड मेट, उसके बाद जो सेकंड मेट एग्जाम देते हैं, तो जब आप थर्ड मेट पे होते हो तो आप लोगों को जो सैलरी एक्सपेक्ट करते हो दैट इज़ अपर 1.5 लाख, अच्छा सीख हो या फिर अगर बहुत ही अच्छा सीख होगा तो 1.5 से भी प्लस हो सकता है, 2 लाख तक भी आपका जा सकता है एज ए थर्ड मेट। उसके बाद जो सेकेंड मेट एग्जाम देकर क्वालिफाई करके एज ए सेकेंड मेट रहेंगे, वो लोगों का सैलरी भाई 2 लाख से लेकर 3 लाख तक उन लोगों का सैलरी होता है। अगर जो नॉर्मल कंपनी हो वो एक सेकंड मेट को रिक्रूट करेगा, तो जो एवरेज पैकेज उन लोगों का होता है पर महीने का वो 2 से लेकर 3 लाख होता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फेसल पे हो, GRT क्या है, कितना अच्छा कंपनी है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन भाई एज ए सेकेंड मेट के तौर से भाई 2 लाख से लेकर 3 लाख आप महीने का कमाई लो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग जो चीफ मेट आते हैं, ठीक है। चीफ मेट जो आते हैं कभी कभी ऐसे छोटे मोटे कंपनी पे जो कि एज ए कैप्टन रहते हैं या फिर कैप्टन रहते हैं या फिर चीफ इंजीनियर रहते हैं, उन लोगों का जो सैलरी होता है दैट इज़ अप टू 5 to 7 लाख, ठीक है, 5 to 7 लाख। अगर बहुत ही अच्छा कंपनी होता है तो भाई 10 से 12 लाख तक चीफ इंजीनियर या फिर कैप्टन का सैलरी जाता है। तो पहले जब उतना एक्सपेक्ट करते थे, पहले भाई जो सैलरी होता था कैप्टन लोग का दैट इज़ अप टू 15 to 17 लाख के पर महीना वो लोग इनकम करते थे, पर अभी आप जैसे कि मैंने आपको बताया रियान भाई आप लोगों को सैलरी बताया, उसी हिसाब से भाई अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 लाख रुपीज़ डाउन हो गया है कैप्टन लोगों का। अप्रोक्सीमेटली वो लोग जो पा रहे हैं दैट इज़ अप टू 10 to 12 लाख पर महीना का वो लोग कमा रहे हैं, ठीक है। और बाकी सेकंड मेट का पहले कोई सेकंड मेट 3 लाख+ भी पाते थे, वो भाई बहुत ही अच्छा कंपनी होगा तो वो 4-5 लाख+ भी जाएगा, भाई बहुत ही अच्छा कंपनी होगा, ठीक है। नहीं तो भाई ऐसे जैसे कि मैंने बोला भाई 3 लाख के अंदर आपको सैलरी मिलेगा
ही अभी सीनारी हो इतना ही चल रहा है। और बाकी जीपी रेटिंग का भाई स्टार्टिंग आपको रहेगा 18 से लेकर 25,000 का स्टार्टिंग आपको रहेगा। उसके बाद 25,000 से आपको 30,000 के अंदर मिलेगा, उसके बाद आपको 30 से 50,000 के अंदर मिलेगा, उसके बाद आपको 50 से 90,000 के अंदर मिलेगा, उसके बाद जाकर आप 1,00,000 कर सकते हो। आपको अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 साल आप सेलिंग और कंटिन्यूसली करोगे तो उसके बाद जाके आप भाई लोग में गारंटी देकर बोल सकते हैं जीपी रेटिंग वाले अगर 3 से 4 साल कंटिन्यूसली सेल मारे तो आप अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 प्लस तो कंज्यूम कर ही लेंगे पर महीने का। पर भाई लोग आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काम आएगा, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि इसे सेल ज्वाइन करने के लिए उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही रिक्वायरमेंट है। तो ये वीडियो को शेयर करो ताकि बच्चों को पता चले कि अभी सिनेरियो क्या है। और उसके